मध्य प्रदेश सरकार की वादे खिलाफी को लेकर प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने चेतावनी दी है। प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक कांग्रेस सरकार को अपना वादा याद दिलाने के लिए सीहोर जिले से पैदल तिरंगा यात्रा निकालेंगे। प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों में मध्य प्रदेश में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। अतिथि शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सुमन दुबे ने बताया कि यहां कांग्रेस के वचन पत्र में 90 दिनों में अतिथि शिक्षकों के नियमित करने की बात कही थी। आज वही कांग्रेस सरकार सत्ता में काबिज होने के 6 माह के बाद भी सोई हुई है। जब भी अतिथि शिक्षकों के नियमितकरण की बात होती है तो सरकार यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि अतिथि शिक्षकों के लिए समिति गठित की गई है। 90 दिन के बदले आज 6 माह बीत चुके हैं, लेकिन सरकार अतिथियों की बात तक नहीं कर रही है। इसी के चलते अतिथि शिक्षकों की एक बैठक खाते गांव में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश के आह्वान पर निर्णय लिया गया कि 4 सितंबर को सीहोर से पैदल तिरंगा यात्रा राजधानी भोपाल तक निकालेंगे। ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप परमार ने बताया कि अतिथि शिक्षकों को 6 माह बीतने के बाद भी वेतन न मिलने के कारण उनकी अर्थव्यवस्था अत्यंत दयनीय हो गई है। ऐसी स्थिति में अतिथि शिक्षकों के सामने आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। वहीं दूसरी ओर सरकार भी नियमितकरण के वचन को लेकर गंभीर नहीं है। पुराने अतिथि शिक्षकों को बाहर निकाल दिया गया है उस संबंध में, मगर हमारी एक ही मांग है नियमितीकरण। सबसे ज़्यादा जरूरी है नियमितीकरण, वेतन संबंधी मांग भी जरूरी है, लेकिन वो तो मिल जाएगा, मगर नियमितीकरण हमको पहले चाहिए। वेतन चाहे हमें वो 1 महीने या 2 महीने और लेट दे दे, मगर नियमितीकरण चाहिए। इसीलिए सबसे उम्मीद है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आए और तिरंगा यात्रा को सफल बनाएं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।